नमस्कार आम सर को स्वागत करग्ना प्रथम देखा हेडलाइन घर को शब नेबारे असुविधा क्योंठी राति अधिया पोस्टमार्टम कहीं जगत सिंहपुर कुजंग युवक दुष्मंत दास आत्महत्या घटना को नहीं सरकार को प्रश्न कला बीजेपी जदि सरकार त्रुटि नहीं सीबीआई को तदंत भार दिंतु उठला दाग दुष्मंत आत्महत्या घटना संदेह घेर एसीबी तदंत रिपोर्ट दुष्मंत चिकित्सा अवहेला हो रिपोर्ट रे प्रकाश प्रश्न जहां ना अभोग तार रिपोर्ट केते ग्रहणीय कड़े गला एक्शन टेकन रिपोर्ट तीन दिन जगा दर्शन मना गणेश पूजा जो आज भक्तों पर श्रीमंदिर बंद पूर्व एसओपी अनुजाई काली व रविवार दर्शन देवेनी महाप्रभु सोमवार नुआ एसओपी लागू सप्ताह को छह दिन चलो कालिया दर्शन आनंद बजार बसी प्रसाद पाई भक्त आज अग्रपूज्य श्री गणेशंक पूजा कोरोना कटकणारे विभिन्न मंडप व शिक्षानुष्ठान गजाननंक पूजार्चना भोजी व प्रसाद सेवन को नहीं अनुमति ट्वीट करी शुभेच्छा जनाइले राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री समेत केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान एवं आसंताकाली पश्चिम ओडिशार गणपर्व नुआखाई गांठु सहर सबुठ उत्सव माहौल पार्वण बजारे चली किणा बिका मरुड़ी व कोरोना कटकणा भितर नहीं सेतेटा उत्साह दुष्मंत दास मृत्युर सीबीआई तदंत दावी जगत सिंहपुर कुजंग युवक दुष्मंत दास आत्महत्या घटना दुष्मंत दास मृत्युर सीबीआई तदंत दावी करुछि बीजेपी घर को शब नेबारे असुविधा क्योंठी राति अधिया पोस्टमार्टम कहीं जगत सिंहपुर कुजंग युवक दुष्मंत दास आत्महत्या घटना को नहीं सरकार को प्रश्न करिछि भारतीय जनता पार्टी जदि सरकार को त्रुटि नहीं सीबीआई को तदंत भार दिंतु बीजेपी तरफ दावी होइछि एक ओडिशा प्रदेश पाई दुखदायक विषय संवेदनशील विषय अभावनीय विषय लज्जाजनक विषय मध्य जड़े व्यक्ति दुष्मंत दास तांकर एक्सीडेंट हवा कारण मेडिकल से 9 मास पड़े कटक मेडिकल 9 मास एवं सेठी सर्जिकल सर्जरी डिपार्टमेंट ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंटर टीम तंग ऑपरेशन दुई थर कर दुईथर ऑपरेशन करिया पर गोटे ऑपरेशन बाकी रहा गोटे वर्ष बीतीगला कलेक्टर तंग बारंबार आनी कटक मेडिकल भर्ती कर वीडियो कलेक्टर सब विभिन्न खबर देखि डाकी आनी चिकित्सा करना गोटे ऑपरेशन दरकार थिला आउ 4-5 लाख टंका दरकार थिला 3 लाख हो पारे 4 लाख हो पारे 5 लाख हो पारे एति टंका आवश्यक थिला गोटे ऑपरेशन दरकार थिला आज सरकार चिकित्सा करने अर्थ रो अभाव नहीं केंद्र सरकार प्रबल अर्थ दौरान आउ से व्यवस्था को लागू करवा इम्प्लीमेंट करवा जदि मु आयुष्मान योजना विषय ये कहली 5 लाख टाइम आयुष्मान योजना गोटे परिवार पिछा खर्च हो पार ता नेक्स्ट कैलेंडर ईयर में पुणी 5 लाख टाँग परिवार को ऑपरेशन विभिन्न स्वास्थ्यपाई परिवार वर्ग को दिया पार ये गोटे वर्ष बीतीगला से पोस्ट टू पिलर बुलले कौटी जाइना जमी जगह ना से हाईटेक मेडिकल से 12-13 दिन 15 दिन रही से किम्स को किम्स किसी कई मना करदे आउटराइट जे विजु स्वास्थ्य सेवा ये कार्ड फार स्मार्ट कार्ड किसी कम कर हाईटेक से 6 नंबर मेडिकल आठ चिकित्सा हो चेष्टा कर एम्स को जाम्स फेरी चिकित्सा सुविधा दवापी गाइड व्यक्ति विशेष चिकित्सा सुविधा नपाई दुष्मंत दास आत्महत्या घटना संदेह घेर में एसीबी तदंत रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को तदंत रिपोर्ट देखिए एसीबी 7 जनिया इंटरनल टीम दुष्मंत को चिकित्सा अवहेला हो रिपोर्ट में दर्शाई प्रश्न उठू जदि सठिक भाव चिकित्सा दि जाए एमती परिस्थिति घटला कहीं दुष्मंत अवस्था है कहीं अभोग आसी एसीबी चिकित्सा अवहेला नहीं जहाँ ना अभोग तार रिपोर्ट के ग्रहणीय जुलाई मासरे एक्शन टेकन रिपोर्ट पर मुख्य शासन सचिव को निर्देश देते कुआडे गला
एक्शन टेकन रिपोर्ट मुख्य शासन सचिव देइछंती कि एक्शन टेकन रिपोर्ट जदि देइछंती केबे देइछंती जदि अवहेला होई नाही ताहले ए हॉस्पिटल रो से हॉस्पिटल को काहे कि करा जाउथला रेफर काहे कि तंको बारंबार एससीबी रे चिकित्सा नारे निर्यातना दिया जाउथला काहे कि मेडिसिन दिया जाउ नथला दुष्मंतंको स्वास्थ्य मंत्री नव दास ए सब प्रश्नर उत्तर रखिबे कि दुष्मंतंक परिवार को पोष्य भाव में ग्रहण करिछंती पारादीप विधायक संबित राउतराय तेबे एहा पूर्वरु पंकपालर उल्लास जेनांकर परिवार को न्याय देबा बदल रे ओलटा अभियुक्तंकु विधायक संबित राउतराय सुरक्षा देइथिबा अभियोग होइथिला एमिति कि उल्लास का परिवार बारंबार न्याय भिक्षा करथिले मध्य कर्णपात करिनथिले विधायक ए बाबद्रे अधिक आलोचना करबा उल्लासकर मां अमृत उल्लासकर मां जोशनाराणी फोन लाइन ने जोड़ी होइछंती हम सहित मैडम स्वागत करुछि आपनकु अर्गस न्यूज को ए पूरा प्रसंग को आपन किफळि देखंती गोटे पक्ष रे आपन एबे पर्यंत न्याय पाई नाहंती अपर पक्ष रे आउ गोटे घटना जहां राज्य रे वर्तमान चर्चित घटना दुष्मंतक घटना ये संबित राव तो आसीथिला एठी इलेक्शन पूर्वरु मो तांका पाखरे जाय अभिजोग कलि मोली बापा एंते एंते कथा आसामी म आगे रे बुलुची आ मोर आसामी धरा पड़नी ना हौ तमे व्यस्त हो ना मु बहुत कथा कहली कहबा पर से कहला तमे व्यस्त हो ना इलेक्शन परे आमे नवीन पटनायक देखा करबा पुओ तापर फोन कला इलेक्शन परे पुओ फोन तापर तापर फोन कला आमे देखला बेलू आसामी जाऊन तक पास आम फोन आ रिसीव कले ना आमको किसी सुरक्षा देने तापर आम जो सबुआड़ निराश हो जोबले गलु विधानसभा आग को विधानसभा आगे जो गली आत्महती दबा से स्थानीय विधायक हिसाब से टी आज खाली देखा कर पा छाड़ जाइल ना पु तीन जन को नहींगले पु जा सौदापी भल मंद डाकिकले मत भी नहींगले मोर पु मर कि मुझे जेल गली मो पु दी ने स्थानीय विधायक हिसाब से कौन ये कर्तव्य नाला ये खाली देखा कर तो मन चिंता कर स्थानीय विधायक मत देखा कर परिवार को देखा कर जो कौन गोटे सी तो न आसिले आउ जो लोक मैंने आसिले सांगे से सान बहु कौन कहला कहले मानहानी मकदम करू चमक धम कर सब कथ कहले ये जो जिन स्थानीय विधायक कर स्वागत योग्य पोष्य पुत्र हिसाब से ग्रहण करते सी भल जिन कर गोटे संसार जो उजुड़ी जाऊला ताकू जो सहारा दे भल कर समस्त कहे भल जिन कि मो माँ न्याय पाईना आज पर्यटन ना न्याय पाईना मौसी ए अभियोग बारंबार आणुचंती जो माने अभियुक्त अछंती सेमानों को सुरक्षा देउचंती विधायक काहे कि को आधार आपण ए अभियोग बारंबार सामने करछंती मु से कथा बुझि पारुनी मा से कथा सिए जतबेले सुरक्षा सेमानों को दउचंती मु बुझि पारुनी आज पर्यटन न्याय पाईना क्राइम ब्रांच करछि ना प्रशासन कला ना केही कलेनी जेतबेले मु आमे गलु पिला मानकु जो जे लाइन रे रही करी जे मु मानहानि मकदम करी हम कर धम करी एंत कोन कहिथले ता पर मु आसे पर आउ के केही किछि कहिनांदि हैला कि ये जिंसटा जेतबेले हेइ जि मो कहिबा कथा गोटे संसार भासि जाउतला से करिछन्ति ठीक करिछन्ति से भल करिछन्ति हैला ये जिंस करिछन्ति स्वागत योग्य किंतु आमे मु पाइ परुनि न्याय आज पर्यंत ओके दुष्मंतक परिवार को पोष्य भाव ग्रहण करिछंती पारादीप विधायक ये स्वागत योग्य किंतु आपण को काही कि न्याय मिलनी ये प्रश्न आपण पचारछंती आपण को प्रश्न अर्गस मध्ये उपस्थापन करूछि बहुत बहुत धन्यवाद जोशना राणी जेना जे उल्लासकर मां रहिथिले निजर दुख बयान करूथिले जे काही कि पारादीप विधायक मो घटन आज पर्यंत मते भेटिले नाही न्याय देले नाही ये प्रश्न सीधा सवक पचारछंती आज ठारो तीन दिन जगा दर्शन बंद मंदिर प्रशासन सूचना हिसाब से आज गणेश पूजा थिबारो श्रीमंदिर भक्तों पर बंद रखा जाइछि सेपटे पूर्व एसओपी हिसाब से शनिवार और रविवार श्रीमंदिर बंद रहिबो दर्शन लगातार तीन दिन श्रीमंदिर बंद रहिबा परे सोमवार ठारो भक्त माने परिवर्तित नुआ एसओपी हिसाब से महाप्रभु दर्शन करेंगे ए एसओपी हिसाब से केवल रविवार श्रीमंदिर दर्शन बंद रहिबो कारण मंदिर सानिटाइजेशन हेबो बाकी छह दिन भक्त माने सकाळ 7 रु राति 9 पर्यंत महाप्रभु दर्शन पाइबे जहां
पूर्वरु ए समय थिला संध्या 7 पर्यंत। सेपटे श्रीमंदिर परिसर रे महाप्रसाद सेवन कटकणा हटाई दिया जाइथिबारु सोमवार थारु भक्त माने आनंद बाजार रे बसी मध्य सपरिवार महाप्रसाद सेवन करिवार सौभाग्य लाभ करिवे। महाप्रभुंकर पई फूल दीप धूप ने श्रीमंदिर को प्रवेश करि परिवे। ए बाबद्रे अधिक आलोचना करिबा हम रिपोर्टर आलोक आशुतोष पुरी रु जोड़ी होइछन्ते हम सहित। आलोक भक्त मानक भितरे अनेक मन दुख मध्य करुथिले जे सपरिवार बसी महाप्रभु प्रसाद महाप्रसाद खाई होउनाही। ता सहित एबे नुआ एसओपी हिसाब रे समय मध्य वृद्धि करा जाइछि। शनिवार मध्य समाने मंदिर जाइ प्रभु दर्शन करि पारिबे। टिके आश्वस्त होइछन्ते भक्त। निश्चित भाव स्मृतिलंगा भक्त मैंने टी आश्वस्त अनुभव करते कहीं भक्त मैंने जितेबाला श्रीमंदिर आसती महाप्रभु को रत्न सिंहासन दर्शन करने आनंद बजार बस महाप्रसाद सेवन करु जेहेतु करोनार कटकणा रही है पूर्व एसओपी अनुजाई आनंद बजार भक्त साधारण मैंने महाप्रसाद खाईपे कि आसंता सोमवार अर्थात 13 तारीख ठारु श्रीमंदिर दर्शन पर नुआ एसओपी जारी कर पूर्व एसओपी सकाल 7 संध्या 7 पर्यंत दर्शन व्यवस्था रोला कि बर्तमान आसंता 13 तारीख रू अर्थात आसंता सोमवार जो नुआ एसओपी लागू से स्पष्ट भाव में उल्लेख रही सकाल 7 राति 9 पर्यंत भक्त श्रद्धा मैंने दर्शन करेंगे महाप्रभु को। अंपटे आप जानते पूर्व एसओपी अनुजाई केवल शनिवार और रविवार श्रीमंदिर बंद रहा सानिटाइज किंतु वर्तमान आसंता सोमवार ठारु भक्त श्रद्धा मैंने सोमवार ठारु शनिवार पर्यंत महाप्रभु को दर्शन करेंगे शनिवार महाप्रभु को दर्शन करेंगे केवल रविवार दिन सानिटाइज श्रीमंदिर बंद रानी जो विशेष पर्वपर्वाणी मानक श्रीमंदिर बंद रखा निष्पत्ति कारण विशेष पर्वपर्वाणी मानक भिड़ को दृष्टि रखिकी मंदिर प्रशासन निष्पत्ति जेहेतु आज गणेश पूजा रही आज श्रीमंदिर बंद रही अंपटे आसंता का जेहेतु शनिवार पूर्व निष्पत्ति मुताबक आसंता का श्रीमंदिर बंद रविवार श्रीमंदिर को सानिटाइज कर 13 तारीख दिन ठारु नुआ एसओपी अनुजाई दर्शन व्यवस्था कर किंतु सबकि दर्शन व्यवस्था कोविड कटकणा स्मृतिलग्न आपड़ जानते जो भक्त श्रद्धा मैंने श्रीमंदिर जाए महाप्रभु को दर्शन करेंगे से 96 घंटा भितर आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट कि टीकार दुईट डोज नहीं प्रमाणपत्र देखिए बाध्यतामूलक कराई और पूर्व निष्पत्ति मुताबक श्रीमंदिर भितर कौन भक्त श्रद्धा फूल तुलसी नहीं पारे ना भोग नहीं पारे ना दीप जाली पारे ना बोली निष्पत्ति कि आसंता सोमवार अर्थात 13 तारीख पर निष्पत्ति सामान्य कोहल कर भक्त श्रद्धा मैंने महाप्रभु फूल तुलसी नैवेद्य नहीं पारे और आनंद बजार बस महाप्रसाद खाई कि श्रीमंदिर भितर एक डेजिग्नेटेड प्लेस जोठार भक्त श्रद्धा मैंने कोविड कटकणा मध्य महाप्रसाद सेवन करें निश्चित भाव में भक्त मन में अहेतुक खुशी कारण आप जानते शनिवार दिन अनेक भक्त पूरी को आसी था महाप्रभु को दर्शन करने को जेहेतु पूर्व शनिवार दिन दर्शन बंद रही से मन दुख में पतित पावन निकट निजक दर्शन करके भक्त मैंने फेरी जाते कि शनिवार जेहतु श्रीमंदिर खोला रही है भक्त श्रद्धा गोटे खुशी खबर बोली आम कहीपर अंपटे आप जानते तमाम दर्शन व्यवस्था किंतु कोविड कटकणा मध्ये करा जीवो सुते लगे आलोक आशुतोष जहां सूचना रही छे रविवार दिन सानिटाइज करा जीवो मंदिर एवं विशोधन पई सेई दिन रविवार दिन बंद रहिबो तो किभली भाबरे याकु गुरुत्व दिया जीवो सानिटाइजेशन रो प्रक्रिया किभली भाबरे रहिबो देखो स्मृति लगे जो भाई भाव में प्रत्येक शनिवार और रविवार सानिटाइज कर ठीक से ही भाव में केवल रविवार ही सानिटाइज कर जानते जेहतु श्रीमंदिर भक्त श्रद्धा उन्मुक्त रहा से कोविड संक्रमण को दृष्टि रखिकी श्रीमंदिर भितर परिसर श्रीमंदिर बाहर परिसर ब्यारिकेड और जो लाइन में भक्त श्रद्धा मैंने जाऊँच जो कियोस्क रे फोटोग्राफी करते तमाम जिन सब सानिटाइज कर अग्निशम विभाग पक्षर सानिटाइज कर सानिटाइज प्रक्रिया निहाती आवश्यक रोचे कारण आप जानते बर्तमान श्रीमंदिर को प्रत्येक दिन जब आम आकलन करवा 15-20 हजार भक्त श्रद्धा आसुच्च सानिटाइज प्रक्रिया निश्चित भाव में स्वागत योग्य अंपटे गुरुत्वपूर्ण सूचना रही जेहतु यही मस अर्थात सेप्टेम्बर मसर दुई दिन श्रीमंदिर बंद रोटे गणेश पूजा जेहतु आज श्रीमंदिर बंद रसंता 17 तारीख में बामन जन्म बा सुनिया रही से दिन श्रीमंदिर बंद अक्टोबर मसर तीन दिन श्रीमंदिर बंद रानी कुमार पूर्णिमा को श्रीमंदिर बंद दुर्गा पूजा को श्रीमंदिर बंद रमाम जिनस विशेष पर्वपर्वाणी मानक श्रीमंदिर बंद रु तमाम दर्शन व्यवस्था स्मृति लग्न कोविड कटकणा मध्य भक्त श्रद्धा मैंने दर्शन करें भक्त किंतु आज तीन दिन बंद बहुत बहुत धन्यवाद सविशेष आलोचना आलोक आशुतोष हम रिपोर्टर अधिक सूचना दौले भाव से कहते श्रीमंदिर भक्त माने जाई परिबे शनिवार जहाँ पूर्व कटकणा रही था शनिवार दर्शन करें शनिवार दिन कटकणा मुक्त करा जाइछि शनिवार जाई परिबे भक्त माने केवल रविवार दिन टी बंद रहिबो सानिटाइजेशन मंदिर करा जाइबो सेति पई बंद रहिबो।
आज भाद्रव शुक्लपक्ष चतुर्थी ज्ञान देवता अग्र पूज्य श्री गणेश पूजा हिंदू धर्म में गणेश चतुर्थी एक पवित्र पर्व ओडिशार पूरापल्ली में यह पूजा परंपरा विधि विधान हिसाब से पालन करा शिक्षानुष्ठान गणेश पूजार विशेष महत्व अच्छी चलित बर्ष कोविड कटक भितर गणेश पूजा पालन करा राज्य सरकार पार्वण में जारी करम हिसाब से पूजा होर्तिर आकार 4 फुट्रु कम रहा नहीं गाइडलाइन रही पूजा समय भोजी और प्रसाद सेवन को अनुमति ना ओडिशा प्रसिद्ध जटणी गणेश पूजा चलित बर्ष सरकारी कोविड गाइडलाइन हिसाब से मंडप पूजा आरंभ हो जाइछि। 2 वर्ष हेलानी पूजा रे प्रतिबंधक लगाइछि कोरोना। एथर कोविड गाइडलाइन मानि पूजा करा जाउछि। प्रतिवर्ष जटणी रे 250 छोटो बड़ गणेशंकर मूर्ति पूजा करा जाइथाय। पुरुरुपल्ली सबुटी उत्सवमुखर आज होछि अग्रपूज्य प्रभु गजाननकर पूजा। प्रभुक आराधना रे सारा राज्य कौन सारा देश निर्भर होता बेले ओडिशा प्रसिद्ध है जटणी गणेश पूजा और द्वितीय मुंबई आख्या पाई जटणी पूजा रे बर्तमान कोरोना कटकणा भितर प्रतबंधक लगाई गला वर्ष और चलित बर्ष 2 वर्ष रानी कोरोना कटकणा भितर एठार पूजा संपन्न करा जाउची। जटणी सहर रे 200 रु अधिक छोट बड़ ही गजानन मूर्ति एठार पूजा पाउछंती। जा सरकारी कटकणा रही जा सरकारी आईन रही 4 फुट विशिष्ट उच्चता और आबद्ध कोठरी मध्य पूजा अर्चना करें। बर्तमान अच्छू जटणी पोस्टअफिस छक आम सहित जोड़ी होती एठाकर कर्मकर्ता मैंने सहित सीधा सड़क आलोचना करवा। अज्ञा कौन कहे 2 वर्ष कोविड कटकणा भितर पूजा करमक तो बहुत दुखरे लगुच कोविड कोविड जो जेहेतु आमर हूँ भक्त देखिपर आम पूजा कर सत कि आम भक्त देखी पार ना आम चार बंद करूजा करने पड़ी। आज दिनटा बहुत मानने लोक समागम होता बहुत मानने उत्सव तो आहीहुनि आमको यह विषय मैं दुखर सहित कह पड़ी किंतु दुष्मंतंको परिवार को पोष्यपुत्र हिसाब से ग्रहण करबा परे संबित राउतराय को प्रतिक्रिया उपरे नजर पगेबा सी बिमती कोन पे ए बडी दुर्बुद्धि कला ताबी मु जाने ना तार गोड़ो खराब थिला तो चिकित्सा पे एसी मेडिकल ले एडमिट करा ही थिला तापरे के एम्स जैथले एम्स रे तो फेरे दीथले कितु 13 अप्रैल से मो पाक आसला ए वर्ष तो आसला पर 3 दिन मो घरे रही थिला मु एरिया को जाई थी फेर पर मु तो भेटली से मत सब डिटेल डॉक्यूमेंट सब देखेला तो से समय रे मु एससीबी मेडिकल सुपरिटेंडेंट को फोन लगेली स्पीकर फोन देली से निजे सी आ ता मा दिज सुनिले भी तो आप मन थी से एप्रिल मास बेल को एससीबी रे कौन सी सर्जरी हो नथिला केवल से माने कहले जे हमर कोविड पेशेंट को ट्रीटमेंट करूछु आउ आप 2.5 रु 3 मास पर पठातु जमी आम करद तो मुझे छुड़ेली तो किसी पैसा भी देली आप कहली तीन मस जाओ तू जमी मो पा गोड़ कथा तो ये ऑपरेशन करवा ना आज ठीक अच्छे से घर को माँ पु दिन पड़ेल मुझे जिते थ्रु जानी सी तो बिना माँ रे कड़े जाए ना जिते बड़े आस चलिया को सक्षम नुह से माँ को माँ रहारा दिए कि जाने ना ए गवर्नमेंट पट गोटे चिठी गला चिठी गला से आस सी मेडिकल एडमिट है तो ट्रीटमेंट स्टार्ट है इन बिटवीन सी कौन करना किए जो डाकी से माँ को कही माँ मोर गोटे सांग आड़ी नहीं कि मुझे भुवनेश्वर जाऊँ तो माँ कहला भुवनेश्वर जीवु केत फेरु ना मुझे रातिर फेर ना फेरले एकाठी खाइबा ना हाँ एकाठी खाइबा इत कथा किए उकेला कौन है मुझे बुझी पार आए भी जीवनटा बहुत बड़ मूल्यवान से बुझा दरकार ये आटेम ना पूर्व गोटे थर हूँ तो मतलब कही पार मुझे 3 मास तो 2.5 रु 3 मास समय भी देखी आस ये घर ये तू भुवनेश्वर आस मो पाखु भी आसपारी आपण मान मध्यम भी मतलब कहीपारी था ये सब किसी नक सीधा यह गोटे आटेम ना छाड़ा यहाँ तो आप हाथ कथा नुह तो बर्तमान तार गोटे छोट छुआटी तेणु बर्तमान मोर एटा मानविकता दृष्टि और नैतिक दायित्व विधायक हिसाब से पिलाटी बड़ हवा पर्यटन मुझ तार समस्त दायित्व नेबी ता परिवार दायित्व मध्य नेबी से पोष्य परिवार हिसाब से ग्रहण करी आ भितर कौन से राजनैतिक अभिशोधन नहीं केवल मुझे विधायक हिसाब से दायित्व जहाँ अच्छी मानविकता दृष्टि कल सका हुए तो मुझे विधायक थपे न थी पारे कि मोर जहाँ कर्तव्य से कर्तव्य कर विरोधी कहते दुर्घटना कत दुर्घटना
ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି ସେ ବିଷୟରେ। ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ନା ସେ ମୋ ପାଖ କେବେ ଆସିଥିଲା ତା ମାଆକୁ ଆପଣ ପଚାରିପାରୁଥିଲେ। 13 ଏପ୍ରିଲରେ ସେ ଗୋଟେ ଥର ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା। ଏପ୍ରିଲ ଆପଣ ନା ବିରୋଧ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବିରୋଧୀ ତ କହିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ, ବିରୋଧୀକୁ କୌଣସି ଆକ୍ଷେପ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ମୋର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପଣମାନେ ମୋ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଥାଟା ଖୋଲାଖୋଲି କହି ରଖିଲି ଯେ ମୁଁ କେବେ ଜାଣିନି ତାର କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ କେବେ ଜାଣିନି ନା କାହା ଗୋଡ଼ ସର୍ଜରୀ ଅପରେସନ୍ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ, ମୁଁ ତ ଘର ଘର ବୁଲିବାକୁ ଜାଣିପାରିବିନି। ତ ସିଏ ମୋ ପାଖକୁ ଏଇ ବର୍ଷ 13 ଏପ୍ରିଲରେ ଆସିଥିଲା ମୋର ମନେ ଅଛି। ଏଠି 3 ଦିନ ମୋ ଘରେ ବାପୁ 2 ଜଣ ରହିଲେ। ତ ତା'ପରେ ମୁଁ ଏରିଆରୁ ଫେରିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ତାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦେଖାହେଲା, ବୋଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ରାତି ରହିଯାଇଛି, କାଲି ସକାଳୁ ପଳେଇବ ହେଲା କଥା। ସୋ ସେଇଦିନ ମୁଁ ତାର କାଗଜପତ୍ର ସବୁ ଦେଖିଲି, ଜାଣିଲି ଏବଂ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଇଲି। କଟକର MLA ଯେଉଁ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ କଲି, ସିଏ ବି ସେଇଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା, ସେ ନିଜେ ଗଲା ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଇଲା, ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ ବି ମୋ ବାପୁ 2 ଜଣ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ସମୟ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଲି ଆଉ 3 ମାସ ପରେ ତୁ ଆ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ଟା ସର୍ଜରୀ ହେଉନି, ACV ମେଡ଼ିକାଲ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ତୋ ଗୋଡ଼ କଥା ଦେହ ତ ସିରିୟସ୍ ଜିନିଷ ତେଣୁ ତୁ ଆରାମସେ ଏତେ ଦିନ ରହିଲୁ ନା, 3 ମାସ ରହିଯା ଏବଂ 3 ମାସ ପରେ ଆସେ, ଏତିକି ହେଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା। ତାପରେ ସେ ଆସିନି ମୋତେ ମନେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଯାହା 4-5 ଦିନ ତଳେ ବାଇଟ୍ ଦେଇଥିଲା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ, ତାହା କହିବା କଥା ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ଯେଉଁ ଆପଣ 15 ଟଙ୍କା ଦେଇ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ 1500 ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆପଣ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାକୁ 15 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଘରୁ ଯିବା ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆସିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖା କରୁଥିଲେ, ସେ ବାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ, ସେ ଏଭଳି ବାଇଟ୍ କେବେ ଦେଇନଥିବ, କାରଣ ଯେଉଁଟା ସତ୍ୟତା ନାହିଁ ତାଦେହରେ ବାଇଟ୍ ଦେବ କେମିତି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ସିଏ ଆଉ ଆପଣ କହିଲେ ସିଏ ଆଉ ତା ମା 2 ଜଣ ଆସିଥିଲେ, ଆପଣ କ'ଣ ବାଇଟ୍ ଦେଇଥିବ 1500 ଟଙ୍କା କିଏ କିଏ ଦେଇ ପଠାଏ, ପଚାରି ମୁଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି, 1500 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରମାଣ ଦେବେ କି, ତା ମାଆକୁ ପଚାରିଲେ ଟିକେ, ଏଇଟା ମିଛ କଥା, 1500 ଟଙ୍କା କିଏ କେମିତି ଦେବ। କିନ୍ତୁ 4-5 ଦିନ ତଳେ ସେ ଗଣମା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯେଉଁଟା ନାହିଁ, କିଏ କ'ଣ କହିଲା ସେ କଥାରେ, ମୁଁ ଆପଣ ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ୟୁ ଆର୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଜଜ୍, ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ କେଉଁଟା। ଜଣେ ଆସିବ ଏଠିକି ଯେତେବେଳେ ବାପୁ 3 ଦିନ ଆସି ରହିବେ, ସେ ଆସିଥିଲେ କେତେବେଳେ ଏମ୍ସରୁ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, ଏମ୍ସରୁ କହିଲେ ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବିନି, ଏସ୍ସି ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଅ, ସେ ସମୟରେ ଆସିଥିଲା 3 ଦିନ ରହିଥିଲା, ତାକୁ ମୁଁ କେବେ ଏଇଟା କେବେ ସମ୍ଭବ ଯେ 1500 ଟଙ୍କା ଦେଇ ପଠେଇବି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା କ'ଣ ନା, ସିଏ 4-5 ଥର ଯେଉଁ କହିଲେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନେଇଥିଲେ ମୋତେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ କଥା। ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ମୋର ତ କାମ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ସେବାକାରୀ, ଲୋକଙ୍କ ସହ ଦେଖା କରିବା, ଆସିଲେ ମୁଁ କେମିତି କରିବି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି କି ଏଇ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ଲୋକ ହେଉଛି ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଥାନ୍ତା, କାହିଁକି ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ। କଥା କ'ଣ ନା, ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକତା ଭିତରେ ଏଇଟା ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ଗୋଟେ, ଯେହେତୁ ବିଧାନସଭା ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି ସେ ଆଗରେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବୁ ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ କିଛି ଗୋଟେ ଆମର ଏଇଟା ଯାହା ଯାହା ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଅଛି ତା ପୂରଣ ହୋଇଯିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ପଶିଯାଇଛି। ତ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କେତେଟା ଫୋରମ୍ରେ ସେମାନେ କଥାଟା ଉଠାଉଛନ୍ତି, ସେ କଥାଟା ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇପାରୁନି, ତାଙ୍କ କଥା ହୁଏତ ଶୁଣାଯାଉନି। ତ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏଭଳି କଥା ବି ରହୁଛି ଯେ ଆସେମ୍ବଲି ଆଗରେ କଲେ, ଯେହେତୁ ଆସେମ୍ବଲି ଚାଲିଛି, ଏସବୁରେ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଥା କଥାର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ, ଏଇଟା ମାନସିକତା ରହୁଛି, ଏହା କଥା। ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଜ୍ଞା, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆଗରେ ବି ସେମିତି ମାନସିକ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବାରମ୍ବାର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଦାବି କରି ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଆପଣେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ହିସାବରେ ନ୍ୟାୟ ତ ଦିଆଯାଉଛି, ମୁଁ ତ କହିବିନି ସମସ୍ତେ ନ୍ୟାୟ ପାଉଛନ୍ତି, 4.5 କୋଟି ଲୋକ ଆମର, 140 କୋଟି ଲୋକ ଦେଶର, ତା ଭିତରେ ନ୍ୟାୟ ତ କେଉଁଟା କେଉଁଠି ପ୍ରଶାସନ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ କିଏ ନା କିଏ ତ ହାତରୁ ଛାଡ଼ି ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି ନା, ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କିଏ ନେଇକି ଆସିଲେ ତାକୁ ସେଇଟା ତଦନ୍ତ ହଉ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିଦେଲେ ତାକୁ ଉସ୍କା ଯାଇଛି, ତାକୁ ଏ ବାବଦରେ କିଏ ଗୋଟେ କହିଛି ଏବଂ ଏଇଟା କରାଯାଇଛି, ହବା ଦରକାର। ହଁ, ଏ CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଦେଖିବା ଦରକାର, ଏସ୍ସି ମେଡ଼ିକାଲ କିଏ ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଲା, କେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ସେ ଆସିଲା, ତାର ଏମିତି କିଏ ସାଙ୍ଗ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି ଯେ ତା ମାଆ କୌଣସି ବି ଜଣେଇଲାନି, କହିଲା ମୋ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଏସବୁ ତା ମେଡ଼ିକାଲରୁ ସେ ଆସିଛି, ସରକାର କରିନାହାନ୍ତି ତ, ତାହେଲେ ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ଥିଲା କେମିତି, ସରକାର ନିଜେ ତାକୁ ଆସି ଆଡମିଟ୍ କରାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ CBI ତଦନ୍ତ କହିବେ, CBI କ'ଣ କରିବେ? ଆଜ୍ଞା, BJP ପକ୍ଷରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁଦିନ ରାତିରେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ତାର, ସେଦିନ ରାତିରେ ଆପଣ ସହଯୋଗୀମାନେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଟଙ୍କା ଯାଚିବା ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ BJP ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ଅଣାଯାଉଛି ଯେ ଆପଣ ସେଠି ଟଙ୍କା ଯାଚି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, BJP ଯେହେତୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ, ତାର କାମ ହେଲା ଅଭିଯୋଗଟା କରିବା ଏବଂ ସେଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ, ସେ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କରିବେ, ଆଦୌ କିଛି ଭାବିବାନି। କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭବ କି ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଆମ ଦଳର, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମାନେ କିଏ? ସେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ସେଇ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଯାଇଥିଲେ ତ? ଏଭଳି ଗୋଟେ ଅଭାବନୀୟ କାଣ୍ଡ ହେଲେ, ସିଏ ଆମର ଅତି ନିଜର ଲୋକ, ତା'ର ମାମୁଁ ବି ନିଜର ଲୋକ, ତା ପରିବାର ବି ନିଜର ଲୋକ, ଆମ ଦଳୀୟ ଲୋକ, ତ ଦଳୀୟ ଲୋକ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେଲେ ଏଭଳିଆ ସିଏ ହେଲେ ସେ ଲୋକ ଯିବିନି ତାକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ରାତିରେ? ଆଉ ଟଙ୍କା କ'ଣ ଯାଚିଲୁ? ଟଙ୍କା ଆଚ୍ଛା ଯାଚିଲୁ ତ, ଟଙ୍କା କେତେ ଟଙ୍କା ଯାଚିଲୁ ଆମେ? ଆଉ ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଲା ପଚାରିଲେ ଟିକେ କଥା, ଏଗୁଡ଼ା ବେକାର କଥା, ଏସବୁ ଜିନିଷର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ କଥାର? ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣକେ ଅଘଟଣ ଘଟିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ସିଏ ଏଠି ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବି, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେ ପିଲା କେବେ ମରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନି, କାରଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାର ଅଦମ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ସେ ଯେତିକି ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ସେ ଖଣ୍ଡିଆଗଡ଼ ତା ମାଆକୁ ଧରି ସେ ବୁଲିଛି ବହୁ ଯାକ,
ସେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ମରିଲା ଭଳିଆ ପିଲା ନୁହେଁ ସେ, ତାକୁ ଉସ୍କେଇକି ମାରିଦେଲେ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ପୋଲିସ ଥାନାକୁ ନେଇକି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ତା ଜୀବନ ଗଲା ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ପୋଲିସ ଥାନାକୁ ମାନେ ପୋଲିସ ମେଡିକାଲ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଧାନସଭା, ନା ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ଯେହେତୁ ସିଏ ଖାଲି ବିଷ ପିଇଥିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା, ସିଏ ତା ଦେହରେ ଯେହେତୁ ପଏଜନ୍ଟା ଖାଇଯାଇଛି, ତ ପଏଜନ୍ ଆପଣ ପେଟରୁ ବାହାର କଲା ବେଳକୁ ପ୍ରେସରଟା ତ ରହିବ, ତ ଭେନ୍ରୁ ଭୟଙ୍କର ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଲା କଥା ଏଇଟା। ତେଣୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଖାଲି ହାତ କାଟି ଦେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା, ନଚେତ ଖାଲି ବିଷ ପିଇଥିଲେ ବି ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସିଏ କ'ଣ କଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ ପଏଜନ୍ ଖାଇଦେଲା। ପୋଷ୍ୟ ତା'ର ମାସିକ ଘର ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ, ଚାଉଳ ହଉ ଡାଲି ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ, ସେଇଟା ମୁଁ ବୁଝିବି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ତା ପିଲା କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଚାକିରି କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ହିଁ ମୋର, ଏ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଏଇଟା ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ କରୁଛି। ଯେହେତୁ କେହି ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ଥିଲା କେହି ନାହାନ୍ତି, ତ ବୁଢ଼ା ବାପା ମାଆ ସ୍ତ୍ରୀଟି ଛୁଆଟି, ତ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ଆଜ୍ଞା ସମୟ ବୁଲେଟିନ୍ କୁ ଏଠି ରଖିବା, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।